पासुंडी को माने पासुंडी और चेष्टाधीर गुरु सुनरमती वैष्णव जाति बुद्धि विष्णु वैष्णान कलिमल मथन पाद तीर्थ बुद्धि से विष्णु नाम निमंत्रे सकल कलुषय शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वर से तद इतर समाधि दस्य बा नारकी पासुंडी एगुड़ाक नारकी पासुंडी मंदिर में पूजा पाता अर्चा विग्रह को काष्ठपाषाण मूर्ति बोली भावती जो मैंने पाषंडी नारकी पाषंड कठिन द्वंद्व दरकार गुरु को साधारण मानव बोली भाव जो मैंने भावती से पाषंडी नारकी कौन सी वैष्णव को एक निर्देश जाति बर्णर बोली जो मैंने भावती पाषंडी नारकी चरणामृत को किंवा गंगाधर को साधारण दल बोली भावती से पाषंडी और नारकी हरे कृष्ण महामंत्र को कौते भौतिक ध्वनि तरंग बोली भावती पाषंडी नारकी भौतिक जगत में भगवान कृष्ण के सब प्रकाश तर अहेतुकी कृपार चिन्ह तर सेवारत भक्त मान कृपा प्रदर्शन करते सब रूप से भगवान प्रकाश देते तेणु ये स्वीकार न करते ना से पाषंडी नारकी से कठिन द्वंद दरकार तेणु एथर प्रमाणित होती अर्चा मूर्ति काष्ठपाषाण मूर्ति भावे सदरूप व्यवहार कले से पाषंडी से नारकी भगवान को अर्चा अष्टविद रूप से जगत में प्रकट हो दारुमयी लेप्या लेख्या चैकती मनमयी मणिमयी प्रतिमा स्मृता भगवान करती आठ प्रकार प्रकटित है शिलामयी काष्ठमयी लौह सुवर्ण प्रति धातुमयी नृणमयी चित्रपटमयी बालुकामयी मनमयी मणिमयी ये शास्त्र सिद्धांत आ भगवान विग्रह आ भगवान नाम रूप विग्रह ये तीन अभिन्न अभिन्न भिन्न नहीं से कथा कहुई चैतन्य चरतामृत दिखाई चैतन्य चरतामृत कहुई ईश्वर से विग्रह सज्जानंद आकार भगवान सज्जानंद ईश्वर परम कृष्ण सज्जानंद विग्रह श्री विग्रह मंदिर में पूजित होती वैष्णव प्राण प्रतिष्ठा करे से भगवान कृष्ण ठार अभिन्न सज्जानंद कार नाम रूप विग्रह तीन चिदानंदमय तीन भेदना भगवान नाम भगवान रूप भगवान विग्रह तीन मध्य भेदना या माने ना से पाषंडी विग्रह जे ना माने से तो पाषंड से पाषंड अस्पृश्य अदृश्य से ही जमदंड छुईवा योग्य नुहे देखा योग्य नुहे से दृश्य जमदंड पाइब नाम रूप विग्रह एक तत्व सब सदानंद रूप विग्रह देह देह मध्य भेद ना भगवान नाम रूप विग्रह तीन एक तत्व चिदानंद मध्य भेदना देह देही नाम नामी कृष्ण ना ही भेद कृष्ण का देह कृष्ण अभिन्न कृष्ण नाम कृष्ण अभिन्न जीवर जीव भितर भेद अच्छे जीव धर्म नाम देह स्वरूप विभाद जीवर नाम जीवर देह जीव ठार भिन्न जीव जीवात्मा देहटा हूँ प्राकृत जड़ देह नामटा जड़ देह देखला बेलू अंध नाम पाई पद्मलोचना अंध नाम पाई पद्मलोचना से भेद अच्छे किंतु कृष्ण ठारे भेद ना देह देही नाम देह विलास प्राकृत इंद्रज्य नए तुम प्राकृत इंद्र साइंद्र सा जानपर ना बुझीपार ना कृष्ण नाम देह विलास किपर एक तुम प्राकृत इंद्र सा चिरीन्द्रिय चिरीन्द्रिय दान कले से प्रकाशमान हे नचे हमना जो मैंने पाषंड जो मैंने ग्रस मेटेरियालिस्ट जहाँ इंग्रेजी कहती जहाँ कहते स्थूल भौतिकवादी से मैंने कदापि देखिपर मंत्र को आसने के पितुला पूजा करंडी पूजुंट धातु कंडी पूजुंट पितुला पूजा पाषंडी से पाषंडी नर्कवती जहाँ कहते जमदंड से अस्पृश्य अदृश्य से ही जमदंड ये कथा कहु से जगन्नाथ विग्रह को दारुमय प्रतिमा ज्ञान में विनाशील प्राकृत द्रव्य गठित जड़ वस्तुमात्र ज्ञान कले अपराध हुए पाषंडी जाए नारकी जाए
देहदेही विभाग नश्वर विद्यते क्वचित लघु भागवत अंतर कहे ईश्वर देहदेही भेद ना मायातीत ईश्वर नित्य सविशेष विग्रह माइक जगत नित्य विग्रह अचिंत्य निज शक्ति बल उदित हेले सुधा ताकि प्राकृत धर्म विशिष्ट माइक व प्राकृत नुहे आम मान प्रति अहेतुक कृपा प्रदर्शन करने निमित्त भगवान मंदिर अर्चामूर्ति रूप प्रकाशित होती आम मैंने भगवान को आम चर्म चक्षु चाखे देखिपरिया ना किंतु भगवान कृपा कर मंदिर अर्चा मूर्ति रूप प्रकट होती आस देख भगवान करुणामय मूर्ति ए मूर्ति आम मान देखिपर पूजा कर सेवा कर से अर्चा मूर्ति काष्ठपाषण धात्र मूर्ति कहले अपराध हो जे कह से पाषंडी नारक की हो जाए निश्चित भाव नर्क गति धनुंड पाइब पद्मप्राण कह कदा अर्चे विष्णु शिलादी गुरु सुनार मती वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णु बा वैष्णवान कलिमल मथने पाद तीर्थ अम्बुबुद्धि श्री विष्णु नाम निमंत्रे सकल कलुष हे शब्दे सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वेश्वरे से तदितर समधि दस्य बा नारकी स पाषंडी स मंदिर में पूजा पाते अर्चा मूर्ति काष्ठपाषण मूर्ति बोली जे कहे से नारकी पाषंडी गुरु को साधारण मानव बोली भावे से नारकी पाषंडी कौन सी वैष्णव को निर्दिष्ट जाति व बर्ण बोली भावे से नारकी पाषंडी स्वर्णामृत गंगा को साधारण जल बोली भावे से नारकी पाषंडी किंवा हरिकृष्ण महामंत्र भौतिक ध्वनि तरंग बोली भावे से नारकी पाषंडी भौतिक जगत में भगवान कृष्ण ये सब प्रकाश अहेतुक कृपार चिन्ह ତାଙ୍କର ସେବାରତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଏହି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି ଏଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି କାଷ୍ଠପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ସେ ସଶ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ ସେ ପାଷଣ୍ଡୀ ନାରଦୀ ଅର୍ଚ୍ଚାବତାର ଅଷ୍ଟାବିଧ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏଭାବେ କହିଲେ ତେଣୁ ପାଷଣ୍ଡୀ ନାରକୀମାନଙ୍କୁ ତ ମୃଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଭକ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଓ ନିନ୍ଦକ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା ବିଷ୍ଣୁ ସମାନ ମନେ କରେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଷଣ୍ଡୀ ପାଷଣ୍ଡଗଣ କିପରି କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ ନା ତାର ପ୍ରମାଣ ଭାରତରେ ଅଛି ଦ୍ୱାଦଶସ୍କନ୍ଧ ଭାରତରେ କଳୌ ନରାଜଂ ଜଗତାଂ ପରଂ ଗୁରୁଂ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ନଥପାଦ ପଙ୍କଜଂ ପ୍ରାୟେଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟା ଭଗବନ୍ତଂ ଅଚ୍ୟୁନ୍ତଂ ଯକ୍ଷନ୍ତି ପାଷଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଚେତସ ହେ ରାଜନ୍ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରିକ୍ରମ କଳି ଯୁଗରେ ମାନବଗଣ ପ୍ରାୟଶ ପାଷଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତୃକ ବିକୃତ ଚିତ୍ତ ହେଇ ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଲୋକେଶ୍ୱର କର୍ତ୍ତୃକ ବନ୍ଦିତ ପଦ କମଳଶାଳୀ ଜଗତର ପରମ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ ନା ପାଷଣ୍ଡମାନଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ମନବୃତ୍ତି ଦାମ୍ଭିକତା ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ପ୍ରଚୁର ଗୀତାରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଇଛି ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟ ଏବଚ ଅଜ୍ଞାନ ଚାଭିଜାତ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଆସୁରୀ ଏ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କଥା ଇଏ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଏ ଅସୁର ମନବୃତ୍ତି ଦମ୍ଭ ତର୍ପ ଅଭିମାନ କ୍ରୋଧ